जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म के मारे डूब मरो डूब मरो। योगी मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म के मारे डूब मरो। आज अपनी डिग्री अपनी जला दी है, भविष्य जला दिया है, क्यों जला दिया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि भारत के युवाओं को पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, भारत के युवाओं को गाड़ियां चलाना भी रोजगार है, भारत के युवाओं को पकौड़ी तलना भी रोजगार है, चाय बनाना भी रोजगार है। तो जब घर के लोगों के हजारों हजार रुपए लाखों लाख रुपए लगा करके हमने जो पढ़ाई की है, जिसकी डिग्रियां प्राप्त की है, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे बैचलर हो, इन डिग्रियों का आखिर क्या काम? बिना डिग्री के भी तो पकौड़ा हम तल सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे ये कहना है कि जो सपना आपने देखा है युवाओं को पकौड़ा तलने वाला बनाने के लिए, बंद कर दीजिए शिक्षण संस्थान। क्यों चलवा रहे हैं? जब पकौड़ा तलना ही रोजगार है तो अपने नेताओं को भी बोलिए कि उनके बच्चों को पढ़ने भेजना बंद करें, उनको भी पकौड़ा तलने की दुकान लगाएं। अगर वो लगाना चालू कर देंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे लगा देंगे। इस देश को 1947 से पहले का देश मत बना दीजिए, जो आपके हिटलर शाही का गुलाम बन के रह जाए कि आप कहें पकौड़ा तलो तो पकौड़ा तले, आप कहो मूंगफली बेचे तो मूंगफली बेचे। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस देश का युवा, इस इलाहाबाद का युवा, इस हिंदुस्तान का युवा अगर किसी को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगाता है तो गिराने में भी उससे दोगुना ताकत लगाता है। इसे अलर्ट हो जाइए। अब 70 करोड़ लड्डू से जन्मदिन आपका मनाया जा रहा है, जस्ट आप मना सकते हैं, लेकिन सड़क पर युवा उतर चुका है, उसकी शुरुआत कल से राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में हो चुकी है। आने वाले दिनों में इससे बड़े आंदोलन आपको पूरे देश में देखना होगा और आपको जवाब देना होगा कि रोजगार देंगे कि पकौड़ा करवाएंगे। धन्यवाद। शेष नारायण ओझा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस। किस लिए अपनी जिंदगी की डिग्री जला दी है? हम लोगों का डिग्री जलाने का मुख्य कारण यह है कि जो डिग्री आप लोगों ने दी है, हम एक किसान के बच्चे, पहले तो हमारे माँ बाप, हमारे किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके कारण ये देश चलता है, एक किसान प्रधान देश हमारे देश को कहा जाता है, उन पे प्रविधा या आप कानून ला के कर रहे हो, फिर हम उनके बच्चे हैं, आप हमें ना तो रोजगार दे रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि अब हम हमारे माँ बाप की तरह वो उनकी किसानी खराब कर दी? क्या लोग आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे जमीन पे पकौड़ा तले? क्यों नहीं फिर आपने अपने बर्थडे पे पकौड़े बांटे? क्यों नहीं आपने अपने बर्थडे पे आपने सोचा कि जो आपका जन्म दिवस है कि रोजगार दिए खिलौने बांटे? क्यों आपने केक काटा? क्यों आपने लड्डू बांटे? आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बार इस देश में हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया गया, बेरोजगार दिवस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हर गली हर मोहल्ले में आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? क्यों हम युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? आपका कहना है कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन आत्मनिर्भर आप क्या कहते हैं? पकौड़ा तल के? अगर आप हमसे पकौड़ा ही तलवाना चाहते हैं, खिलौने ही बनवाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद कर दीजिए, हम अपनी पढ़ाई क्यों करें? आज हमने यहाँ से डिग्री फूंक के कह दिया, क्या तो आप अपनी डिग्री वापस ले लो, एक कॉलेज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज को बंद कर दो, या फिर हमें रोजगार दो, नौकरियां दो। और ये जो यूपी में जो आपके द्वारा योगी सरकार के धांधली हो रही है, आप रोजगार खोलते जरूर है, लेकिन उनमें अगर अपने लोगों को लगाना है, धांधली करानी है, तो रोजगार खोलना ही बंद कर दो। पहले तो आप 100 में से 5% रोजगार खोलते हैं, उस 5% में भी आप चाहते हैं आपके लोगों धांधली हो, और उसका भी रिजल्ट 3 साल में क्लियर होता है और उसमें जाके पता लगता है कि आपके अपने लोग ही लगे हैं। तो आपसे हम हाथ जोड़ के यहाँ से विनती करना चाहते हैं, एक तो मोदी जी, जो आपने अपने जन्मदिवस पे आपने यहाँ से केक और लड्डू बांटे, उसे बंद करके पकौड़े और खिलौने बनवाइए, खिलौने बांटिए। और योगी जी से भी ये कहना चाहते हैं कि आपके देश में, आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहीं बेरोजगारी का विरोध हुआ है तो यूपी से हुआ है, इलाहाबाद से हुआ है, वाराणसी से हुआ है, गोरखपुर से हुआ, लखनऊ से हुआ। क्यों हो रहा है? क्यों आपके प्रदेश में रोजगार नहीं है? क्यों आपके प्रधानमंत्री का, अभी तो ये शुरुआत है कि आपके प्रधानमंत्री का जन्मदिवस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बना, आने वाले टाइम में योगी जी का जन्मदिन भी बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो इसी के साथ हमें रोजगार दिए, वरना ये डिग्री आज हमने जलाई है, कल आपको इसे जलाने हम कॉलेज विश्वविद्यालय में छोड़कर आपके खिलाफ आपके घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अविनाश यादव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI, यूपी ईस्ट प्रभारी। युवा मांगता रोजगार, रोजगार रोजगार। युवा मांगता रोजगार, रोजगार रोजगार। छात्र मांगता रोजगार, रोजगार रोजगार। भैया मांगता रोजगार, रोजगार रोजगार। रोजगार रोजगार रोजगार। साथियों, वर्तमान समय की जो हाहाकारी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो कि लगातार हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं,
आज उसी के क्रम में हम सभी जला करके अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। साथियों जो जहां पर है, जहां पर उपस्थित है, इसमें मेरा एक निवेदन होगा, झंडा डाल आ जाइए जला के पीछे आ जाइए।